प्रधानमंत्री मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए हमीरपुर जिला के स्काउट मास्टर सतीश राणा के द्वारा बेहतर काम किया जा रहा है। पिछले 30 सालों से सतीश राणा बिना किसी शुल्क के बच्चों को कराटे सिखा रहे हैं और जब लॉकडाउन में थोड़ी रियायत मिली तो उस समय में भी सतीश राणा ने सैकड़ों बच्चों को कराटे के हुनर सिखाने का काम किया है। साथ ही कोरोना महामारी के दौरान सतीश राणा के कदम घर में नहीं ठहरे और समाज सेवा के क्षेत्र में भी काम करके अपना योगदान दिया है। स्काउट एंड गाइड के क्षेत्र में भी सतीश राणा ने बच्चों को स्कूलों में समाज सेवा के भाव को जागृत किया, तो इसके साथ कोरोना और लॉकडाउन के दौरान दायित्व को निभाते हुए समाज सेवा के लिए काम किया है। सतीश राणा ने बताया कि स्काउट एंड गाइड में स्कूल के बच्चों के साथ जागरूकता अभियान भी चलाकर लोगों को जागरूक किया है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान लोगों को जागरूक करने के साथ प्रवासी मजदूरों को लगातार राशन मुहैया करवाया गया है और लोगों के घर तक राशन खुद कंधों पर ले जाकर पहुंचाया है। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट के तहत बच्चों को कराटे सिखा रहे हैं, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ रहेगा और बच्चों को नशों से बचाने के लिए एक ये कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि कराटे की ट्रेनिंग फ्री दी जाती है और पिछले 30 सालों से हजारों युवाओं को ट्रेन कर चुके हैं। एज ए स्काउट मास्टर जो है सर, हमारा जो सबसे बड़ा जो स्काउटिंग में दायित्व ये है कि हमारे जो सिद्धांत है हम उसके अनुसार काम करते हैं, कि जो हमारे भगवान के प्रति या देश के प्रति कर्तव्य है और उसके साथ जो दूसरों के प्रति जो कर्तव्य है, तो हम जो इस वक्त जो निर्वहन कर रहे हैं अपने दायित्व का, वो ये है कि हम दूसरों के प्रति अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं, जो कि स्काउटिंग में सिखाया जाता है। कारण ये था कि जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन से भी राशन लिया जा रहा था, लेकिन हमारा ये अभियान था कि क्यों ना खुद राशन को इकट्ठा करके जो है, तो हमने कुछ प्रधान जी से, BDC मेंबर से और स्थानीय लोगों से इस बारे में बात की और जितना भी सहयोग जो हमें महिला मंडल कटियारा से भी उसमें सहयोग मिला, तो हमने उस राशन को इकट्ठा करके फिर उसके जो हमने किट बना करके कि कितने जो परिवार में जो है, किस परिवार में कितने सदस्य हैं, उस हिसाब से जहाँ पे 6 या 7 सदस्य थे वहाँ पे 10-10 किलो की किट बनाई, जहाँ पे एक ही था उस हिसाब से जो हमने उनको राशन जो वो वितरित किया। उसमें जो सर सबसे बड़ा जो इस बार जो देश जो कोरोना से लड़ रहा है, तो हमारा भी ये दायित्व बनता था कि स्काउट एंड गाइड पूरे प्रदेश में जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं उनके आदेश के अनुसार और डिप्टी डायरेक्टर के आदेश के अनुसार जो है, हमने जितना भी काम जो हमें बताया गया हमने उससे भी ज़्यादा जो है बढ़ चढ़ के भाग लिया है। और जो बच्चों की जहाँ तक बात थी, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो उसमें जो है ये कहा गया था कि 15 साल से जो नीचे बच्चे हैं वो काम नहीं कर सकते, लेकिन उनसे जो हमने जैसे जागरूकता अभियान में पेंटिंग से, पेंटिंग के माध्यम से जो अपने गाँव में उनको ये कहा गया कि आपने जो है गाँव की दीवार के ऊपर जो है कहीं पर भी जहाँ पर लोगों का ज़्यादा आना जाना हो, लोग उनको देख सके, लोगों को ये पता लग सके कि कोरोना है क्या, तो इस तरह से काम किया गया। जैसे कोरोना का लॉकडाउन से पहले जो हमने बच्चों के माध्यम से अपनी ग्राम पंचायत सराकड़ में और जो हमारा बाजार है कुंजी देवी में, वहाँ पे हमने लोगों को जागरूक किया कोरोना के बारे में कि क्या क्या जो है इसके जो दुष्परिणाम है उनसे कैसे बचना है। उसके साथ जो हमने उसके बाद जब लॉकडाउन शुरू हो गया, तो जैसे हमारे जो प्रवासी मजदूर थे उनको हमने राशन की व्यवस्था की और राशन की व्यवस्था के साथ जो है हमने 47 परिवारों को एक साथ राशन दिया। उसका जो रिकॉर्ड है वो हमने पंचायत प्रधान जी के पास जमा करवाया। उसके साथ जो 10 परिवारों को जो हमने जब तक के लॉकडाउन नहीं खुलेगा उनकी जो है दिहाड़ी मजदूरी नहीं लगती है तब तक उनको जो राशन दिया जाएगा, और उस 10 परिवारों को लगभग हमने 2 महीने तक राशन दिया। उसके साथ जो है हमने मास्क जो हमारे BDC मेंबर हैं साकड़ पंचायत से मनीष राणा जी, वार्ड पंच है जगन्नाथ जी और एक पूर्व वार्ड पंच है कुलदीप कुमार जी ब्रह्मण से, उनके साथ मिलकर के हमने कपड़ा खरीद करके हमारी जो महिलाएं थी उनको हम उन्होंने फ्री में हमें वो मास्क बना के दिया। हमने उनको सिर्फ सामान जो प्रोवाइड करवाया और वो मास्क जो लगभग 400 के करीब जो प्रवासी मजदूरों को 2-2 मास्क दिए गए। और उसके साथ जो है उन मजदूरों के जो बच्चे हैं उनको जो है इन चीज़ों से जो है ये जागरूक किया गया कि आप लोग जो है ऐसे ना घूमें, जब भी आप बाहर जाएं तो मास्क का ज़रूर प्रयोग करें। उसके साथ पूरी पंचायत में भी जो है मास्क दिए गए और उन मास्कों के बाद जो है जो हमने आगे काम किया है वो है, जैसे
हमने ये भी पूछा कि कोई गांव में अगर ऐसा गरीब लोग है, अगर उसको भी राशन की अगर ऐसी ज़रूरत होगी तो उसको भी राशन मुहैया करवाया जाए। फिर जैसे कोई भी, ज़्यादातर तो हमारा फोकस रहता है कि जो बीमार होता है, क्योंकि उसके लिए जो मदद बड़ी कम दी जाती है। विवाह शादियों के लिए भी जैसे अगर कोई ऐसा हमारे पास आता है तो उनको भी पैसों के साथ जो है, अगर ज़्यादा माली हालत ठीक ना हो परिवार की, तो उसको पूरे का पूरा राशन जो है उनसे लिस्ट लेकर के पूरे का पूरा राशन जो उनको दिया जाता है। क्या सर ये काम आप खुद करते हैं कि क्या आपके साथ कोई टीम भी जुड़ी है? नहीं, हमारे साथ कुछ अध्यापक भी जुड़े हैं, कुछ लोग हैं स्थानीय, कुछ आर्मी में गए लोग हैं वो भी जुड़े हैं। और इस अभियान को हमने इस ढंग से चलाया हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो गरीब लोग हैं उनको समाज के साथ जोड़ा जाए और उनकी हम क्या हेल्प कर सकते हैं, इसके लिए सदैव हम तत्पर रहते हैं और जब भी ज़रूरत पड़ती है तब भी हम उनको जो मदद के लिए तैयार हैं। 17-18 बच्चे आ रहे हैं अभी, तो उसमें जो हमारा मकसद यह है कि बच्चा जो सबसे बड़ा जो आज चला हुआ है मोदी जी का जो फिट इंडिया मूवमेंट है उसके तहत, और दूसरा जो सबसे प्लस पॉइंट है, जैसे बच्चा जो है अगर छोटी उम्र से शुरू करेगा तो वो मानसिक और स्वास्थ्य तो उसका होगा ठीक, लेकिन उसके साथ जो आत्मरक्षा भी सीखेगा, और आत्मरक्षा के साथ जो आज जो नशे पे जो युवा जो जा रहा है, उससे सबसे बड़ा जो ये कोशिश रहती है हमारी कि बच्चा जो है नशे से बचा रहे। सर आप लड़कियों को भी दे रहे हैं इस तरह की ट्रेनिंग की, लड़कों को ही? नहीं, दोनों को सर, लड़के भी और लड़कियां भी दोनों आते हैं और दोनों को ट्रेनिंग दी जा रही क्या है। सर सुबह शाम देते हैं इनको ट्रेनिंग? शाम के वक्त सर कराटे की बात करें तो क्या आप इसमें पीछे से आपने बताया कि आपकी कुछ अचीवमेंट्स भी रही हैं, आपके स्टूडेंट ने नेशनल तक भी खेले हैं, क्या थोड़ा सा बताइए? उसमें जो सर हमारे जो जैसे अभी स्कूल स्कूली बात करूं मैं तो 3 साल से जो है जंदड़ू के जो बच्चे जो हैं वो 2018 में 2 खेले और 2019 में 3 बच्चे नेशनल में खेले। 2019 में जो है पिछले साल 11 बच्चे स्टेट में खेले हैं, और 3 साल से जो जो डिस्ट्रिक्ट विनर है वो GSS जंदड़ू रहा है बॉयज़ गर्ल्स दोनों में, और उसके साथ स्टेट में भी जो ताइक्वांडो में है हम लगातार 3 साल से जो बॉयज़ में विनर रहे हैं और गर्ल्स में भी, लेकिन पिछले साल जो हम रनर रहे हैं गर्ल्स में 2019 सर इस जो आप प्रैक्टिस करते हैं इसमें कोई फीस वगैरह भी चार्ज करते में। हैं? नहीं सर, ये जो हमें निःशुल्क सिखा रहा हूँ, कोई आज नहीं, लगभग 30 सालों से फ्री ऑफ कॉस्ट कराटे की ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को, और काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो हैं, ये नहीं है कि हमने सैकड़ों में बच्चों को सिखाया, हजारों में बच्चे जो हैं सीख चुके हैं और फ्री में जो हमारा प्रशिक्षण चलता है। सर ये जो मोदी की फिट इंडिया मूवमेंट आपने कही अभी, हाँ जी, हाँ जी आप क्या मानते हैं कि बच्चों के लिए कितनी बढ़िया सिद्ध होगी ये चीज़? सर, बच्चों के लिए जो है ये एक बहुत अच्छा इवेंट चलाया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, क्योंकि इससे जो है बच्चा जो आजकल जो बच्चा है उनके 2 ही चीज़ें रह गई, पढ़ाई या टीवी या मोबाइल। तो उससे जो अगर बच्चा थोड़ा स्पोर्ट्स करेगा तो बच्चा फिट रहेगा सबसे बढ़िया, और जब फिजिकल फिट होगा बच्चा तो अपने आप ही जो है वो पढ़ाई में भी तेज होगा। वहीं सतीश राणा की धर्मपत्नी सपना देवी ने बताया कि मेरे पति के द्वारा घर के आंगन में बच्चों को कई सालों से कराटे की ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें बच्चे भी काफी दिलचस्पी दिखाते हैं। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी के द्वारा भी फिट रहने के लिए कहा जा रहा है। सर, ये तो इसके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई हूँ, क्योंकि इससे जो बच्चे जो हैं वो अपने लिए और अपने घर वालों के लिए जो हैं वो बहुत फायदा देते हैं, क्योंकि एक तो ये फिजिकल फिट रहेंगे मानसिक तौर पे भी और शारीरिक तौर पे भी, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के लिए खेल कूद तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर खेल कूद करेंगे तो इनका जो है वो स्वास्थ्य ठीक रहेगा और इससे शारीरिक विकास होगा, और ऐसे ही तो कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा निवास करती है। तो और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी तो ये चलाई है कि स्वास्थ्य अभियान चलाया है, तो इसके तहत भी जो है वो बच्चों को ये प्रतियोगिता करवानी जरूरी है, और ये जो कराटे हैं ये लड़कियों के लिए तो खासकर बहुत जरूरी है आत्म सुरक्षा के लिए, और लड़कों के लिए कि अपने जो है वो जैसे आजकल नशे की लत लग रही है बच्चों को, बैड हैबिट्स है, इससे भी इनको फायदा मिलता है, क्योंकि ये सब अगर कराटे की तरफ ध्यान आ जाएगा इनका तो नेचुरली वो ये बैड हैबिट जो है वो अपने आप दूर हो जाती है, इससे घर वालों को भी बहुत फायदा होता है,
क्योंकि घर वाले भी खुश होते हैं कि हमारे बच्चे जो एक अच्छे रास्ते की तरफ अग्रसर हुए। तो मैं अपने पति जी का जो है वो इनका धन्यवाद करती हूँ, मुझे इनके ऊपर बहुत गर्व है क्योंकि ये ऐसे ऐसे काम करती हैं। क्योंकि इन्होंने एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों के लिए ट्रेनिंग दे रही हैं कराटे की, दूसरे जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी मदद करते हैं। जैसे अब कोविड का था तो कोविड में भी इन्होंने बहुत सारा काम किया, जैसे हमारे जो हैं कंटेनमेंट जोन में आए थे तो इन्होंने डोर टू डोर जो राशन पहुँचाया, और वैसे भी मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक काम करते हैं। जहाँ भी जरूरत पड़े वहाँ जाते हैं, जो गरीब होते हैं जरूरतमंद लोग होते हैं उनके लिए जो वो हमेशा तत्पर रहते हैं। कराटे सीखने आने वाले बच्चों ने बताया कि कराटे सीखने के लिए वह रोजाना आते हैं और कराटे सीखने से शरीर फिट रहता है। आशवी है, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं सतीश सर के पास डेली कराटे सीखने आती हूँ। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन में कराटे बंद कर दिए गए थे, तो अब फिर से शुरू कर दिए गए हैं। और मेरे साथ और भी कई ज्यादा लड़की लड़कियां और लड़के आते हैं। आप बेटा इस कराटे क्यों सीखते हैं, क्यों क्या कारण है सीखने का? उससे हमारा शरीर फिट रहता है। स्थानीय निवासी लता ने बताया कि सतीश राणा के द्वारा फ्री में कराटे सिखाए जाते हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना के दौर में बच्चों का शरीर फिट होना चाहिए, जिसके लिए कराटे सिखाकर बच्चों को सतीश राणा मजबूत बना रहे हैं। अनुलता जी, आपका बेटा जो है यहाँ कराटे सीखता है, क्या कहेंगे आप? सर, ये हमारे लिए बहुत ही मतलब खुशी की बात भी है और बहुत ही लाभप्रद बात है, क्योंकि आजकल ऐसी फैसिलिटी के लिए हमें बाहर जो है हजारों रुपये खर्च करने पड़ते हैं, जबकि यह फैसिलिटी यहाँ पर सर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। जैसे कि कोरोना का दौर चला था, इसमें बहुत ही ज़रूरी था कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, और जैसे हमारा बच्चा क्या हम भी फिट होने चाहिए, तो उसके लिए बहुत ही हेल्दी रहने के लिए बहुत ही लाभप्रद बात है और बहुत ही सही चीज़ है। और इसमें सर जो है वो बिल्कुल भी पैसे नहीं लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं। और जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आजकल जो है हर एक व्यक्ति को फिट रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, तो इसके लिए मैं इनका बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। और मेरे बेटे ने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा है, और लास्ट ईयर भी इसने जैसे एनुअल फंक्शन में प्राइज लिया है इस चीज़ के लिए। सर, जब गौरतलब है कि शिक्षा जगत से जुड़े हुए स्काउट एंड गाइड के मास्टर सतीश राणा आजकल राजकीय माध्यमिक पाठशाला सराकड़ में तैनात हैं, और इस तरह इस शिक्षक के जज्बे को देखकर सभी उनकी प्रशंसा करते नहीं रुकते हैं।